आज के हमारे इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरह से कीबोर्ड पर उंगलियों को सही से रखा जाता है और किस तरह से टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए उन उंगलियों को मूव किया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कीबोर्ड की सेंटर वाली रो पर कैसे हमारे हाथ को रखेंगे और कैसे उसकी प्रैक्टिस की जाना चाहिए, इस वीडियो पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, आखिरकार कौन नहीं चाहता कि उसकी टाइपिंग बहुत ही फास्ट हो, तो यहाँ पर हम हमारी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे कीबोर्ड पर हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं वह किस पोजीशन में होती है और उनका मूवमेंट किस तरह से होता है। तो यह सब कुछ आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपने यदि किसी भी स्टेप को छोड़ा है तो फिर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा नहीं पाएंगे। कीबोर्ड में कई सारी की हमें दिखाई देती है, लेकिन हम जब टाइप करते हैं तो टाइप करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन रो होती है, जिसमें सेंटर वाली जो रो है इस रो को हम यहाँ पर होम रो कहते हैं, इसके ऊपर वाली रो को हम यहाँ पर अपर रो कहते हैं, और हमारी होम रो से नीचे वाली रो यहाँ पर हमारी लोअर रो कहलाती है। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम होम रो को समझेंगे कि होम रो पर हमारी जो फिंगर से उनकी पोजिशन क्या रहेगी, वह कहाँ पर रखाएगी और वह अपना मूवमेंट किस तरह से करेगी। तो आइए हम चलते हैं हमारी होम रो की तरफ। तो यहाँ पर हमारी उंगलियों की पोजीशन होम रो पर किस तरह से रहती है, हम इसे समझेंगे। तो होम रो पर आप यहाँ पर दो बटन की ओर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एफ और हमारा दूसरा बटन है जे। तो यहाँ पर एफ के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जब इसे छूते हैं तो यहाँ पर एक उभार हमें अलग ही दिखाई देता है, जो यहाँ पर बाकी इधर के किसी भी बटन पर हमको नहीं दिखता। और ठीक ऐसे ही जे के नीचे भी हमें यह पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है, हम इस पर भी जब हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर हमें एक उभार महसूस होता है, हमें यह पॉइंट यहाँ पर अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पॉइंट हमें इसलिए दिए हैं ताकि हमारे दोनों हाथ की फिंगर्स को हम कहाँ से कहाँ तक रखें यह हमें पता चल सके। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसकी जो चारों फिंगर है, इन चारों फिंगर को हम एफ से लेफ्ट साइड में रखेंगे, और हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स है उन्हें हम यहाँ पर हम जे से राइट साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले हम हमारे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को यहाँ पे रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड की जो हमारी सबसे पहले वाली फिंगर है वो हमारे यहाँ पर एफ पर रखाएगी, इसके बाद अगली फिंगर हमारे पर डी पर, फिर एस पर, और फिर लास्ट फिंगर हमारी ए पर आएगी। ठीक इसी तरह से हमारा राइट हैंड की पहली वाली फिंगर यहाँ पर जे पर आएगी, इसके बाद अगली फिंगर के, फिर एल, और इसके बाद लास्ट वाली सेमी कॉलन पर आएगी। तो हमारी उंगलियों की पोजीशन यहाँ पर इस तरह से रहेगी कि हमारी लेफ्ट हैंड की चारों फिंगर्स यहाँ पर इन चार बटन एस डी एफ पर होगी, और हमारे राइट हैंड की चारों फिंगर यहाँ पर जे के एल और सेमी कॉलन पर होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चारों फिंगर्स की पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर होम रो पर हमें सेंटर में दो बटन जी और एच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारे दोनों हाथों की जो फर्स्ट फिंगर है जो यहाँ पर एफ और जे पर रखी हुई है, यह दोनों फिंगर यहाँ पर इन दोनों को ऑपरेट करती है। यहाँ पर जो एफ पर रखी हुई फिंगर है वही यहाँ पर जी को ऑपरेट करेगी, और यहाँ पर हमारे जो जे पर रखी हुई फिंगर है वही हमारे यहाँ पर एच को ऑपरेट करेगी, और हमारे लास्ट वाली जो फिंगर है जो हमारे यहाँ पर सेमी कोलन पर रखी हुई है वह यहाँ से इसके बाद वाले दोनों बटन को ऑपरेट करेगी। तो हमारे चारों उंगलियों की पोजीशन आपको अब समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ हमारे जो अंगूठे होते हैं, हमारे अंगूठे यहाँ पर हमारे कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी की होती है स्पेस की, ये केवल इसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हाथों के अंगूठे का यूज हमारे स्पेस बटन को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम जब भी टाइप करते हैं तो हमारी चारों फिंगर यहाँ पर इसी पोजीशन में होती है। यहाँ पर हम इस सेंटर वाली रो को होम रो आखिरकार क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये होम रो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारी ये उंगलियां यहाँ से उठकर हमारे ऊपर वाली रो में चली जाती है, और ठीक ऐसे ही हमारी उंगलियां यहीं से उठकर और हमारे नीचे वाली रो पर जाती है, लेकिन लास्ट में हमारी ये फिंगर फिर यही इसी रो पर आकर सेट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हम जब भी टाइपिंग करेंगे तो हमारी इन फिंगर्स की पोजीशन यही रहेगी, वह चाहे ऊपर वाली रो में जाए या फिर वह नीचे वाली रो में जाए, लेकिन वह उन बटन को प्रेस करके फिर से इसी पोजीशन पर इसी सेंटर वाली रो पर आकर फिक्स हो जाती है, इसलिए हम इसे होम रो कहते हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही बात होती है कि हम जब भी टाइपिंग करते हैं तो हमारी आंखें तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर होना चाहिए,
लेकिन हमारी उंगलियां हमारे कीबोर्ड पर फिक्स होना चाहिए। हमें कभी भी अपने कीबोर्ड पर देखकर वो टाइप नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पर होम रो पर टाइप किस तरह से किया जाए इसे समझ रहे थे। तो यहाँ पर हम हमारी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी होम रो की ही प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हमारी होम रो की प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम हमारी अपर रो या लोअर रो की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब होम रो की प्रैक्टिस आखिर कैसे की जाए, तो यहाँ पर आप चाहें तो पूरी होम रो की एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले लेफ्ट हैंड और फिर बाद में आप राइट हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने राइट हैंड को ऐसा हटा लीजिए, आप केवल स्टार्टिंग में फोकस अपने लेफ्ट हैंड पर करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड पर हमारी सबसे पहली फिंगर यहाँ पर ए पर होती है, फिर एस पर होती है, फिर डी पर होती है, फिर उसके बाद एफ पर होती है, और इसके बाद हमारी जो फिंगर एफ पर है वही हमारे यहाँ पर जी पर भी जाती है। तो हम सबसे पहले इन पांचों की प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पर बिना देखे इन पांचों को प्रेस करेंगे, ए एस डी एफ जी, ए एस डी एफ जी। इस तरह से हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। हम इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी उंगलियों को यह पता ना चल जाए कि हमारे किस उंगली के नीचे यहाँ पर कौन सा लेटर है। जब आपकी यहाँ पर इन पांच लेटर की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, तब आप उसके बाद इस क्रम को यहाँ पर बिगाड़ कर और रेंडमली किसी को उठाना। मान लीजिए कि हमारे दिमाग में एकदम से यहाँ पर एस आता है, तो हमारा एस ही प्रेस होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में एकदम से जी आता है, तो यहाँ पर बिना देखे जी ही प्रेस होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह कि हमारी उंगलियों को ये पांचों लेटर इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे दिमाग में रेंडमली इन पांचों में से जो भी लेटर आता है ऑटोमेटिकली हमारी वही उंगली उसे प्रेस कर दे। जब यहाँ पर इन पांचों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तब हम यहाँ पर फिर हमारे राइट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे राइट हैंड में यहाँ पर हमारा फर्स्ट फिंगर जे पर रहेगी, अगली के पर, एल पर और सेमीकोलन। और हमने अभी यहाँ पर समझा था कि हमारी जो फिंगर यहाँ पर जे पे है वही यहाँ पर एच को भी ऑपरेट करेगी। कि जैसे अभी हमने यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस को समझाया, ठीक वैसे ही हमारी प्रैक्टिस हम राइट हैंड के लिए भी करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा राइट हैंड पर यहाँ पर हमारी ये उंगली यहाँ पर एच पे जाएगी और ये हमारी जे को भी ऑपरेट करेगी, फिर अगली उंगली के पर, फिर एल पर और यहाँ पर सेमीकोलन, और सेमीकोलन के साथ ये दोनों। तो यहाँ पर हम एज से लेकर लास्ट तक के इन सभी स्विच को हमारी उंगलियों पर समझेंगे कि हमारे कौन सी उंगली के नीचे यहाँ पर कौन सा बटन आता है। सबसे पहले इनको एक सीक्वेंस में याद करेंगे कि एच के बाद जे, फिर के, फिर एल, फिर सेमीकोलन और इसके बाद के हमारे दोनों स्विच। तो हम इसकी प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे लगातार करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारी उंगलियों को समझ में ना आ जाए कि किसके नीचे कौन सी की है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी रेंडमली इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एज से लेकर लास्ट तक जो हमारे स्विच यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो भी हमारे दिमाग में आएगा तुरंत हमारी वही वाली फिंगर यहाँ पर उस लेटर को प्रेस करें। जब हमारी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम यहाँ पर फिर दोनों ही हाथों को एक साथ रखेंगे और हमारी टोटल इस पूरी रो की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। फिर हम यहाँ से ए से स्टार्ट करके और लास्ट तक के सारे स्विच की प्रैक्टिस एक ही बार में पूरी करेंगे और उसके बाद फिर रेंडमली इस पूरी लाइन में से जो भी हमारे दिमाग में आएगा हम उसको सोचेंगे और हमारी वही फिंगर उस बटन को यहाँ पर प्रेस कर देगी। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपकी ये चारों फिंगर्स इन सभी स्विच को समझ चुकी है कि किस फिंगर के नीचे यहाँ पर कौन सा बटन है और उनके मूवमेंट करने पर वह किस पर जाएगी। दोस्तों जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समय में ही आप इस पूरी रो को अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों अब तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम कीबोर्ड की सेंटर वाली लाइन पर किस तरह से अपने हाथ को रखेंगे और किस तरह से हमारी उंगलियां मूव करेगी। इसके बाद अब हमारी बारी आती है हमारे कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन की। तो हमारे कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन पर हम किस तरह से हमारी उंगलियों को मूव करेंगे और किस तरह से अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके।